वार्म ग्रीटिंग फ्रेंड्स, PMT 09 नया फॉर्म आया है और योर डाइंग कैश गेट्स न्यू लाइफ, मेजर GST अमेंडमेंट है। मैं CS KK अग्रवाल, GST ट्रेनर एंड कंसल्टेंट, ICAI एंड ICICI टैक्स फैकल्टी। हम लोग सुपर एक्सेल शीट जैसे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है, एनुअल रिटर्न के हैं, वो सब आप खरीद सकते हैं। वीडियो क्लासेस, GST के बुक्स एंड MCQ हमारे वेबसाइट, जहाँ पर आपको डाउनलोड लिंक मिलेगा, प्लस हमारा फोन व्हाट्सएप जहाँ पर आप क्वारी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 31/2019 28 जून 2019 को आया। रूल 87 सबसेक्शन 3 ये प्रपोजल है एंड ये रूल को इट विल बी नोटिफाइड लेटर, यानी कि अभी ये इफेक्टिव नहीं हुआ है। जहां पर ये लिखा गया है कि जो आप चालान के थ्रू जो बैंक से GST पोर्टल में जो कैश जमा करते थे, वो अगर किसी गलत हेड में जमा हो गया है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन मे ऑन द कॉमन पोर्टल ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी फी और एनी अदर अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर द एक्ट टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर ICS और यूनियन टेरिटरी और सेस इन द फॉर्म GST PMT 09। फॉर्म देखते हैं, तो ये फॉर्म है, फॉर्म PMT 09। यहाँ पर ये कह रहा है अमाउंट टू बी ट्रांसफर फॉर्म, यानी कि टैक्स के रूप में, इंटरेस्ट पेनल्टी के रूप में आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, आप उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं कहीं भी, कहीं भी, यानी कि सी का टैक्स, एस का टैक्स आप इंटरेस्ट, एस के इंटरेस्ट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो पॉसिबल है। सेस में पैसा पड़ा हुआ है तो आप उसको आई में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो पॉसिबल है। तो दिस इज द थिंग। और एग्जांपल के थ्रू आपका ये, जब आप GST पोर्टल खोलते हैं तो इस तरह का चालान है। अब देखिए, उन्होंने चालान इस तरह से बनाया कि गलती होनी स्वाभाविक है। CGST, उसके बाद SGST होना चाहिए था, 5, 6 फिर 8, 9, इन्होंने 5, उसके बाद IGST, उसके बाद सेस, उसके बाद आपका SGST, जिसके कारण, ऑर्डर के कारण भी बहुत लोगों ने कोई गलती की है। आज अकाउंट बुक्स में आपको सी और एस नजर आ रहा है, आपको भी क्या लगेगा, यहाँ भी सी उसके बाद एस आना चाहिए, लेकिन उसके बाद आई के बाद एस भी नहीं है, सेस से लास्ट में एस है, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली प्रॉब्लम है जिसके कारण गलती हुई है। ठीक है, अगर यूं होता, इस ऑर्डर में होता तो शायद ये गलती नहीं होती। किन्होंने, कुछ लोगों ने तो जीरो देखा ही नहीं, काउंट नहीं किया, ऐसे ऐसे आंख बंद करके डाल दिया होगा तो गड़बड़ हो गया होगा। अब आपके पास सी में कैश पड़ा हुआ है और आपको एस का टैक्स भरना है, उसमें एस में आपको अलग से जमा करवाना पड़ता। अब यहां पर आप क्या करते थे, सी का टैक्स आप एस में ट्रांसफर कर दीजिए और एस को यूज कर लिए, तो आपका जो डाइंग कैश है जो सी में, हो सकता है 5 साल लगता है इसको यूज होने में, अब ये फटाफट आपका यूज हो जाएगा। रिफंड के लिए मुश्किल होती है, लेकिन इसीलिए रिफंड नहीं लेना चाहते हैं, तो इस तरह से आपका यूज होगा। यहाँ का पैसा आप यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ का पैसा यहाँ, यहाँ, मतलब कहीं का भी पैसा आप कहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये एक वेलकम चेंज है, लेकिन ये वेलकम चेंज कि जितनी जल्दी इफेक्टिव हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।